नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ CBSE की लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, CBSE ने जो आपका सिलेबस है वो टर्म वन और टर्म टू में डिवाइड करा है। जो टर्म वन में आपका 50% सिलेबस आएगा और टर्म टू में भी आपका 50% सिलेबस आएगा। टर्म वन की बात करें तो आपका टर्म वन का पेपर MCQs बेस्ड रहेगा और जो टर्म टू का पेपर है आपका वो रिटर्न बेस्ड रहेगा। तो इस तरीके से CBSE ने इस साल के लिए अपना जो सिलेबस है वो डिवाइड करा है। अब अगर बात करें CBSE के डेट शीट के बारे में या फिर आपके एग्जाम कहाँ होंगे, तो एग्जाम आपके आपके अपने होम सेंटर में होंगे। CBSE क्या करेगा, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा, उसके साथ साथ एक्सटर्नल टीचर्स अपॉइंट करेगा। आपके स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी, बाहर से स्कूल के टीचर आएंगे आपके स्कूल में ड्यूटी के लिए, एग्जामिनेशन ड्यूटी के लिए। और अगर डेट शीट की बात करें तो CBSE की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि आपका जो डेट शीट है वो या तो अक्टूबर 10 या अक्टूबर 10 से अक्टूबर 15 के बीच में 100% चांसेस है आपका डेट शीट आने के। और अगर एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होंगे नवंबर 15 के बाद, और नवंबर 15 के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो आपका हर एक पेपर है उसमें दो या तीन जो हॉलीडेज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर अभी बात करें तो मैं अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और आपको प्रोजेक्ट की भी काफ़ी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और आप अगर मेरा स्टडी मटेरियल चाहते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप वहां पे आपको काफी सारी PDF मिल जाएंगी, चाहे वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड है या फिर आपके सोशल साइंस से रिलेटेड है या फिर आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वहां पे आपको काफी ज्यादा PDF मिलने वाली है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।